दिल्ली की सियासत भी इस वक्त गरमाई हुई है। जहां एक तरफ सिद्धू शिक्षकों की मांग को लेकर धरना देकर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से मांग को लेकर अब धरना दे रही है। आपको बता दें, पेट्रोल के बाद अब डीजल के दामों पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट घटाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोमवार यानी कि 6 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार कार्यकर्ताओं ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में प्रदर्शन किया। इसी दौरान गुप्ता ने डीजल के दाम 15 रुपए तक कम करने की बात कही है। सूत्रों के अनुसार आदेश गुप्ता ने कहा है कि जब साल 2014 में मोदी सरकार बनी थी तो उस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेट्रोल और डीजल के दामों को कम किया था। उस दौरान अरविंद केजरीवाल की सरकार का यह दावा था कि वैट हम कम करेंगे, लेकिन आप सरकार ने अभी तक डीजल के दामों पर वैट कम नहीं किया है। वहीं अगर हम आखिरी में दूसरी ओर देखें तो केजरीवाल सरकार फिर से सियासत में घिरती नजर आ रही है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।